हमारे चैनल के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए लाल वाली बटन को दबाएं, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधानसभा चुनाव भारत होकर दुख नहीं आया, चाहे कि हमारा जो संकल्प रहा कि कांग्रेस पार्टी के सरकार बनावे का, वह संकल्प पूर्ण हुआ। तो क्या बात के कि हम चुनाव के पहले अपना सबसे सर्रा में बैठक भे रही और सबसे इजाजत लेके पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव के दरमियान दूसरे के दावे के दर लगे रहे और अपने पंचे सर्वसम्मति से कह रहे हैं के जवाबदारी हम पंचे लेते न अपना दूसरे के देख, हम वह भरोसा किए, यह हमारी बड़ी भूल है। यदि हम चार रोज और रहे चुरान विधानसभा क्षेत्र में तो शायद यह दिन देखे के न मिले। आज हमें भरोसा नहीं होता है कि का करें, हाथ उठाए नहीं थे, नारा लग जाते और कल सवेरे से एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो जाए तब हम का करें। हम अपरिचित क्षेत्र में 2014 में सपना से लोकसभा चुनाव सोनिया जी के निर्देशन पर लड़े थे, पूरे लोकसभा में हमें बहुत ज्यादा रहा हो तो 100 जने जानत रहे, 100 जने से हम परिचित रहे। लेकिन हम धन्यवाद दे थे अनुवन के लोगों का कि आपन मान के एक बाहरी व्यक्ति 18 दिन में हिंदुस्तान में सबसे कम मतों से चुनाव हारे, और वह न हारे यदि शिवराज सिंह जी के कांग्रेस की विधायक शामिल करना करते जिनके ऊपर हम भरोसा करके चुनाव लड़ सकते। अपना बच्चन से तो जीवन संपर्क है, बहुत लोगों के परिवार तीसर चौथ पीढ़ी साथ जुड़ी है और एक जबरदम ये कबू यह नहीं कहता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम हरदम यह कहते हैं कि सब जने परिवार के सदस्य हैं। और जब परिवार के सदस्य वो अंतिम संघर्ष के समय साथ न दे चाहे जौने कारण से तब का गुजरत हो या अपना बच्चे, सरकार बन गए लेकिन हमारा अपना के पहचान मिट गए। आज ये जे सियान बैठे वो और दाऊ साहब मिलके सीधी जिला के एक पहचान बनाए रहा, और इस सियान 2007 में यह संसदीय क्षेत्र से मानिक सिंह का चुनाव जिताए रहा और वह मानिक सिंह के चुनाव
जीते में पूरे प्रदेश में डंका बाज रहा कि वह सीधी एक ऐतिहासिक जिला है जहां मुख्यमंत्री की पूर्व ताकत के बावजूद मानिक सिंह सांसद बने रहे। लेकिन आज कहां बैठे थे तो चर्चा यह होती कि आप हारे क्यों। हम कहा बताए गेहूं का कहा यार, हम कहा यह कही कि आपस है कि लड़ाई लड़ डाले। कहा हम यह कही कि बहुत जने बुरा नहीं बने चाहत रहे, पता नहीं फिर से कहो भाजपा सरकार ना आ जाए तो हम दोनों का यहां पर रोटी सेकत रही, हमारा ठेका ठाकी चलत रहा है, हम केहू के बुरा न बनी। सब को कारण हो लेकिन जो बात बापुरी भोगते हम सब का आवे वाले समय पर हमने कित राज सतना से बेहतर को तो संसदीय क्षेत्र नहीं है। डेढ़ घंटा में सतना जिला के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते, एक जिला विपरीत परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी के हवा चलत रही तब 4000 से हारे, तब तो हवा नहीं है। अब तो वह नरेंद्र मोदी के 15 लाखों पटाएगा जो एक जलवा रहा 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के, वो हवा नहीं है चाहे जितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। लेकिन पार्टी जो हमसे पूछे कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं यदि मौका मिला, तो हम स्पष्ट शब्द में उत्तर दे रहे हैं यदि पार्टी लड़ावा थी तो वह पहल प्राथमिकता अपने गृह क्षेत्र से अपने संसदीय क्षेत्र से है, और यदि पार्टी के कहा दूसरे जगह के आदेश होते हैं तो वह जाके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्राथमिकता अपने पहचान से, अपनी माटी से, अपने जन्मभूमि से, जो उन्हें व्यर्थ में न जाए दाऊ साहब के 50 साल की सेवा, और वो 50 साल की सेवा में बहुत सियान लोगों के योगदान रहा, और यदि वो पहचान बनाए रखे का है तो आज हमारे युवा साथी के ऊपर ये जवाबदारी है कि सीधी और चौरहट के नाम वापस यदि प्रथम पंक्ति में आवे तो अपना के भविष्य के सवाल। हमार कुछ न हो पार्टी के ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं कि हमें कुछ न कुछ पद मिल जाए, कहो न कहो सेवा करे के मौका मिल जाए, बोलो जगह मिल जाए, लेकिन हमें हुआ न चाहिए।
हमें ही चाहे कि अपना के सेवा कर सकी, वो में हमें ज्यादा खुशी। तो जवाबदारी अपना के है कि अपना बच्चे का चाहे थे यदि हमें यहां से टिकट मिला। लेकिन एक गुजारिश, यदि अब की चुनाव यहां से लड़क तो भैया गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं है। हम हर गांव में जाने थे तो कांग्रेस के आदमी है, अपना के ऊपर जवाबदारी है अपने गांव अपने पोलिंग जितावे। सुरेश सिंह भगवान मना जाए कि जीते ही, न अशोक सिंह खारा मार के जीते, न ही उनका टांग खींचे न वो इनका टांग खींचे, आपन आपन पोलिंग संभाल ले अपने आप चुनाव जीते। दो हजार तीन के चुनाव में गिनती के टेबल में कलेक्टर के सामने जब जुझारी घटिया तक के गिनती हो गई रही, तत्कालीन उम्मीदवार गोविंद मिश्रा जी कहे कि जब हम यहीं से हार गए तो आगे हम क्यों न करब और आज से अपना खिलाफ चुनाव न लड़। और जब यह दफे गिनती होत रही तो हमों का समझ नहीं आवत रहा कि हो ही कहा रहा। गिनती के बीच में रुझान आएगा रहा कि सरकार बन रही, कमलनाथ जी हवाई जहाज भेजती रीवा में, हम गिनती के बीच से चले गए रहे कि हमें जाएगा भोपाल सरकार बना रहे। जब तक सीधी से रीवा पहुंचे रहे तब तक कुछ बढ़त दूसर पार्टी की ज्यादा हुई थी, हम वापस रीवा से वापस सीधी आए रात। लेकिन जो लिखा रहा हुआ तो बाबा वाह, तो भैया आगे ये मेर की घटना न हो ये अपना से प्रार्थना है। यदि आपन खुद की पहचान और खुद के अस्तित्व बनाए रखे चाहिए, बड़े विनम्रता के साथ अपना से प्रार्थना है। हमें केहूं से शिकायत गिला गलवा नहीं आए कि पिछले चुनाव में को का किए, हम पीछे नहीं देखे, आगे के सवाल है। यद फिर वो मेरे की गलती न हो यह उम्मीद अपना सबसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।